देखिए, व्हाट्सएप हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप पर हम लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं, चाहे ओटीपी, सीवीवी, मोबाइल नंबर या फिर किसी अकाउंट का पासवर्ड या फिर तरह तरह की प्राइवेट चीजें, फोटो वीडियो शेयर या रिसीव किया करते हैं। अब ऐसे में फ्यूचर में अगर हमारा व्हाट्सएप अकाउंट ही हैक हो जाए तो हमें आगे जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। सो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जो प्राइवेसी चेकअप के रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है। इससे आप लोग ये पता कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक भी हुआ है या फिर नहीं। अगर हुआ है तो इसे कैसे फिक्स करें, और साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। सो अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर्स हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको व्हाट्सएप के जितने भी प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, ये सारे के सारे सेटिंग्स हर एक व्हाट्सएप यूजर्स को कर लेना चाहिए। इससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट सिक्योर रहेगा, कभी भी हैक नहीं होगा या फिर आपका जो पर्सनल डाटा है वो कभी भी लीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो सेटअप है यानी कि ये जो सेटिंग्स है आपको न्यू वर्जन में देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है, उसके बाद इसको अनलॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेसी चेकअप का, आप स्टार्ट चेकअप पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा कंट्रोल योर प्राइवेसी सेटिंग्स एंड सेटअप व्हाट्सएप जस्ट द वे टू यू वांट इट। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिखेंगे, मैं एक एक करके चारों ऑप्शन की रिगार्डिंग जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा हु चूज हु कैन कॉन्टेक्ट यू, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ग्रुप्स, साइलेंस अननोन कॉलर्स और ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट। देखिए ग्रुप, सबसे पहले ग्रुप पर आप क्लिक कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, काफी सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो आपको ग्रुप में किसी ना किसी ग्रुप में ऐड कर लेते हैं बिना आपसे परमिशन लिए, और उस ग्रुप में किसी भी प्रकार का नॉलेजेबल कंटेंट शेयर नहीं किया जाता है, मतलब कि फालतू के मैसेज आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में आप लोग इरिटेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन यूजर्स आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर माय कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्टेक्ट वाले ही सिर्फ आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। या फिर माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो जिसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही पर्सन आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा सेटिंग्स को। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है साइलेंस अननोन कॉलर्स, इस पर क्लिक कीजिए। कई बार आपने नोटिस किया होगा फेक कॉल्स वगैरह आते हैं आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर ठगी करने के लिए, आपके अकाउंट को हैक करने के लिए। तो आप क्या कीजिए, सिंपल इस फीचर को इनेबल कर लीजिए। अगर अननोन नंबर से कोई कॉल आता है तो ऑटोमेटिक वो साइलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई कॉल भी आ रही है आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर। तो ऐसे में फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा, इसको आप इनेबल कर लीजिए। इस तरीके से कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स विल बी साइलेंस्ड, दे विल स्टिल बी शोन इन द कॉल्स टैब एंड इन योर नोटिफिकेशन, मतलब आपकी नोटिफिकेशन में दिखेंगे और कॉल्स टैब वाले सेक्शन में भी दिखेंगे, बट रिंग आपको नहीं सुनाई देगा, साइलेंस मोड में चला जाएगा। उसके अलावा एक और ऑप्शन है ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करके आप उन सारे पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, मतलब कि जो आपको ज्यादा इरिटेट करते हैं या फिर हैक करने की कोशिश करते हैं आपके अकाउंट को, तो आप यहां से ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी तीन ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है प्रोफाइल फोटो, इस पर क्लिक कीजिए। चूज हु कैन व्यू योर प्रोफाइल फोटो, इस पर क्लिक करने के बाद आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल फोटो को कौन कौन देख सकता है, एवरीवन, हर एक कोई देख सकता है या फिर सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट वाले देख सकते हैं या फिर जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे वही सिर्फ देख सकता है या फिर कोई भी नहीं। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, मैंने माई कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर दिया, तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा, सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट वाले ही आपकी फोटो को देख सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है आपकी फोटो को लेकर के। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन है लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको मैनेज करने के लिए बोला गया है कि आपका लास्ट सीन क्या है, कौन कौन देख सकता है, या फिर आप व्हाट्सएप पर कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन चले गए, आपका लास्ट सीन क्या है, कौन कौन देख सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नोबडी सेलेक्ट कर रखा है, आप भी चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज माय कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट वाले ही ये पता कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप पर कब ऑनलाइन है, कब का आपका लास्ट सीन है, ये सब कुछ पता कर सकते हैं। जो आप यहाँ पर इनेबल करेंगे आपको सिंपल यहाँ पर सेम एज लास्ट सीन को सेलेक्ट कर लेना है, जो यहाँ पर ऊपर रहेगा वही फीचर यहाँ पर भी एक्टिवेट
हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नोबडी करते हैं तो कोई भी ना तो आपका लास्ट सीन दिख पाएगा और कब आप ऑनलाइन हुए थे ऑफलाइन हुए थे कोई भी नहीं दिख पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिंपल सेलेक्ट अपने हिसाब से कर लेना है। अब इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है रीड रिसिप्ट्स का, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए अगर आप इसको ऑफ रखना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी कोई अगर मैसेज भेजे मैं उसका मैसेज रीड कर लूं लेकिन अगले बंदे को पता ना चले, ब्लू टिक शो ना हो, तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए। अब बड़े ही मौज से आप किसी का भी मैसेज पढ़िए, आगे वाले पर्सन को पता ही नहीं चलेगा आपने उसका मैसेज रीड भी किया है या फिर नहीं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट यह है कि अगर आप भी किसी को मैसेज करेंगे और अगला पर्सन रीड कर देता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मैसेज रीड किया गया है या फिर नहीं। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं प्राइवेसी को। इसके अलावा बैक आइए, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है ऐड मोर प्राइवेसी टू योर चैट्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, डिफॉल्ट मैसेज टाइमर, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी से बात करें किसी भी पर्सन से व्हाट्सएप पर, तो ऑटोमेटिक उसके व्हाट्सएप अकाउंट से सारे के सारे मैसेज डिलीट हो जाए, ठीक है। अगर आप 24 आवर्स सेलेक्ट करते हैं तो मान लीजिए अगर आप किसी भी पर्सन से अब बात करेंगे व्हाट्सएप पर चैटिंग करेंगे तो उनके अकाउंट से और आपके भी अकाउंट से 24 घंटे के बाद सारा का सारा मैसेज डिलीट हो जाएगा, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या 7 डेज सेलेक्ट करते हैं तो 7 दिनों के बाद डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इन सारे मैसेंजर टाइमर को इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप्स, इस पर क्लिक कीजिए। इसको देखिए आपको टर्न ऑन कर लेना है, इस पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद टर्न ऑन हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा सो मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप जो भी चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर उस चैटिंग को आप बैकअप लेते हैं, उन सारे चैट्स को आप बैकअप लेते हैं अपने गूगल ड्राइव में। अब ऐसे में क्या होता है कि आपका जो पासवर्ड है कोई डिक्रिप्ट कर लेता है, मतलब डिक्रिप्ट करना चाहता है और अपने मोबाइल फोन में उसे रीड करना चाहता है। यहाँ पर ये बताया गया है टू प्रोटेक्ट योर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप क्रिएटिव पासवर्ड, यू विल नीड दिस पासवर्ड टू रिस्टोर योर बैकअप। अब मान लीजिए अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके चैट को डिक्रिप्ट करना चाहेगा कोई भी यूजर्स अपने जीमेल अकाउंट पर बैकअप लेकर के, तो जब तक वो पासवर्ड डालेगा नहीं तब तक वो डिक्रिप्ट होगा ही नहीं और आपके मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा। मान लीजिए फ्यूचर में आपका जीमेल अकाउंट ही हैक हो गया, ठीक है, और उसी जीमेल अकाउंट पर आप बैकअप ले रहे थे सारा चैट का, तो चैट अगला बंदा अगर रीड भी करना चाहेगा तो रीड नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको पासवर्ड पता नहीं होगा। और अगर आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो आपका जो प्राइवेट चैट है वो सिक्योर रहेगा अकाउंट हैक होने के बावजूद भी। तो इस तरीके से इसको आप इनेबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है एक है एड मोर प्रोटेक्शन टू योर अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, फिंगर लॉक, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो है आप इस फीचर को इनेबल कर दीजिए, कुछ इस तरीके से आपको इनेबल कर देना है, ठीक है, और इमीडिएटली को सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करके कोई अपने डिवाइस में इनेबल करने की कोशिश करेगा, लॉग इन करने की कोशिश करेगा, तो वहां पर सिंपल थंब जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आपका अकाउंट ओपन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपका अकाउंट और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। और यहाँ पर है टू स्टेप वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है, आप भी टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए आपके व्हाट्सएप अकाउंट का मोबाइल नंबर पता चल चुका है और उसी नंबर से लॉग इन करना चाहता है या फिर आपके अकाउंट को अपने डिवाइस में किसी भी तरीके से लॉग इन करना चाहता है, तो जब तक टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड उस पर्सन को पता नहीं चलेगा तब तक वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा आपके अकाउंट को, ठीक है। चूंकि आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का कोड आएगा, उस कोड को जब आप हैकर्स को या फिर अगले पर्सन को बता नहीं देते तब तक वह आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये सारे के सारे प्राइवेसी मैटर्स थे, यानी कि प्राइवेसी सेटिंग्स थे जो आपको अभी के अभी कर लेना है। इससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, सेफ हो जाएगा, कोई हैक नहीं कर पाएगा। आप अगर पता करना चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक भी हुआ है या फिर नहीं, तो सिंपल आप व्हाट्सएप को ओपन कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए प्रोफाइल पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिंक्ड डिवाइसेज, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए अगर कोई ब्राउजर का कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि किसी भी डिवाइस का नाम दिख रहा है तो आप समझ जाइए आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ही किसी भी डिवाइस में यूज किया था व्हाट्सएप को, तो यहाँ पर उस डिवाइस का नाम दिख जाएगा जिसे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यह मेरा ही डिवाइस है। लेकिन कोई अननोन डिवाइस का ब्राउजर का या फिर सॉफ्टवेयर का नाम दिख रहा है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल आप लोग उस डिवाइस पर क्लिक कीजिएगा, जो डिवाइस यहाँ पर नीचे में दिखेगा आपको वहां पर लॉग आउट करने का या फिर साइन आउट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। बस आपका जो अकाउंट है अगले पर्सन के डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह इनेबल कर लीजिएगा। जितने भी प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया है वो सारी की सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा तो आपका अकाउंट हैक नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको पता चल चुका होगा आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी ने हैक भी कर रखा था या फिर नहीं, और साथ ही साथ अब आप लोग अपने व्हाट्सएप अकाउंट को और भी ज्यादा सिक्योर रख पाएंगे।
वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।